सिंपल एसेंस, जरा सोच कर तो देखो, मैं एक शानदार नए गांव में बाहर आती हुई कैंटलॉट की ग्रैंड गैलोपिंग गैला में। क्यों? हाँ, इसे मैंने खुद बनाया है। पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओ ओपल, तुम बिल्कुल मेरी मदद कर सकती हो। थैंक यू। ये क्या, तुम मेरी और मदद करना चाहती हो? और तुम कितनी स्वीट हो। जरा ध्यान से हिलना मत। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, फिक्र मत करो, बस ऐसे ही खड़ी रहो। दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी, और मैजिक से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। क्या तुम देख नहीं सकती रैरिटी कितने ध्यान से काम करने की कोशिश कर रही है? वो क्या बना रही है? देखने में तो ड्रेस लगती है। वेल, सही कहा, आखिर ये एक ड्रेस मेकर की शॉप है। क्या मैं तुम लोग की कुछ मदद कर सकती हूँ? परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ रैरिटी, पर मुझे तुमसे काम था। क्या तुम मेरे लिए एक बटन ठीक कर सकती हो? ये मेरी ग्रैंड गैलोपिंग गैला की ड्रेस है। नहीं 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 नहीं, तुम ये नहीं पहन सकती, पुराना है ये बहुत। तुम्हें गैला के लिए एक खूबसूरत नई आउटफिट की जरूरत है, और तुम्हारे लिए वो मैं बनाऊंगी। मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा ऑफर है रैरिटी, पर मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकती, तुम्हारा काम बहुत बढ़ जाएगा। ये ड्रेस ही ठीक है। ट्वाइलाइट स्पार्कल, मैं तुम्हारे लिए नई ड्रेस बनाना चाहती हूँ। पर अब एक शब्द नहीं, मैं ना बिल्कुल नहीं सुनना चाहती। वेल, अगर ऐसा है तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रैरिटी। तुम्हारा काम देखकर मुझे यकीन है ये ड्रेस बहुत खूबसूरत होगी। जरा मुझे सोचने दो, एप्पल जैक तुम्हें भी एक नया गाउन चाहिए? गाउन? मैं तो बस अपने पुराने कपड़े पहनने वाली हूँ। क्या तुम सीरियस हो एप्पल जैक? तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने ही होंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी पार्टी है। नहीं, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे पुराने कपड़ों को थोड़ा सा स्टाइलिश बना दूं? ओके, ठीक है, क्यों नहीं। अब तुम कह रही हो तो बस उन्हें ज्यादा रंग बिरंगा मत बनाना, ठीक है ना? डील। नीचे से हट जाओ। माफ करना, नई ट्रिक, जरा सी गड़बड़ हो गई। आइडिया। मैं तुम्हारे लिए भी एक आउटफिट बना दूंगी रेनबो डैश गैला में पहनने के लिए। आउटफिट? वो किसके लिए? मैं एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए आउटफिट तैयार कर दूंगी। और हाँ, पिंकी और फैटिश आई के लिए भी। और जब मैं काम खत्म कर लूंगी, हम अपना फैशन शो भी रख सकते हैं। शानदार आइडिया है, पर तुम्हें यकीन है तुम ये संभाल लोगी? हाँ, काम तो बहुत ज्यादा है, पर मेरे बिजनेस के लिए बहुत ही सही रहेगा, और साथ में मजा भी बहुत आएगा। मजा? मुझे मजा करना पसंद है। तो फिर डील डन, हम एक फैशन शो करेंगे जिसमें स्टार होंगे हम। तो तुम्हें बस इतना करना है, शानदार और बहुत ही खूबसूरत आउटफिट्स, 1, 2, 3, 4, 5 तुम्हें मिलकर 6 पोनीज के लिए आउटफिट्स बनाने हैं। एप्पल जैक, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ये बहुत ही मुश्किल काम है। हर एक थ्रेड से बनता है ड्रेस, ट्वाइलाइट की ड्रेस, ध्यान से पैटर्न काटना है, फैब्रिक का फॉर भी देखना है, इसका रंग भी परफेक्ट है। नहीं करनी मुझे जल्दबाजी, आगे पीछे होना जाए कुछ भी, सिल रही हूँ ट्वाइलाइट की ड्रेस। कपड़े की डिटेल्स चेक करूँ, सुंदर नेकलाइन बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करूं, ड्रेस उसकी ही पसंद का, चाहे ना फॉर्मल्स पहनना पड़ेगा मुझको ध्यान रखना, उसको तो है बस सेल करना। ये है एप्पल जैक की नई ड्रेस।
शिवाय के लिए हो कुछ पिंक, फ्लरशाय के लिए हो ब्लू, इसको ब्लेंड करके ये रंग नहीं यूज करूं। हो नाजुक या दिलकश हो, हुक और आई, ओहो कैसे करूं मैं ट्राई, हो जाए जो उसको फिट, कर दे मैजिक ड्रेस को हिट, फिर भी फिट नहीं हुई तो टैंग जैसी नहीं लगी रेनबो, सिल रही हूँ रेनबो की ड्रेस, हर एक पीस मैं काटूं और इन पे फिट कर दूं, हर धागा कर दूं प्रेस, अब बन गई मत लो स्ट्रेस, बनती है ऐसे ड्रेस। बस हो गया, आंखें बंद ही रखना, देखना मत। ओके, अब तुम आंखें खोल सकती हो। ये तुम्हारी नई आउटफिट्स हैं। अपने पुराने कपड़ों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है एप्पलजैक? शानदार है कि नहीं? और ट्वाइलाइट, ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, और मैंने हर ड्रेस को उस पोनी की यूनिक पर्सनैलिटी को जाहिर करने वाली थीम पर डिजाइन किया है, और इस वाली में कलर सोचने में तो मुझे बहुत वक्त लगा रेनबो डैश, पर आखिर मैंने कर दिखाया, और ये कितनी खूबसूरत लग रही है ना? और मुझे यकीन है तुम्हें अपनी ड्रेस बहुत पसंद आएगी फ्लटरशाय, ये किसी स्प्रिंग सॉन्ग जैसी है। और पिंकी भाई, ये देखो पिंक तुम्हारा फेवरेट, ये सब लाजवाब है ना? वाव, मेरा मतलब, हाँ ये तो, ये वाकई कुछ तो है। हाँ कुछ तो है, मुझे ये कुछ पसंद आया, कुछ मेरा फेवरेट है, ये अच्छा है। लेकिन बात क्या है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आई? नहीं, ये अच्छी है, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, तुमने बहुत मेहनत से इन्हें बनाया। मेरी वाली इतनी कूल नहीं है, उसी ने पूछा। मेरे ख्याल से हम सब ये कहना चाह रही है कि ये ड्रेसेस वैसी नहीं है जैसी हमने सोची थी। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत आइडियाज हैं, ये मेरी बस पहली कोशिश थी, तुम सब मेरे दोस्त हो और मैं चाहती हूँ तुम 110% सैटिस्फाइड हो। चिंता मत करो, मैं इन्हें फिर से बना दूंगी। ओ रैरिटी, उसकी कोई जरूरत नहीं, ये ठीक है। मैं चाहती हूँ ये ठीक से बढ़कर हो, मैं चाहती हूँ तुम्हें ये ड्रेसेस परफेक्ट लगे और तुम अच्छी दिखो। तुम्हें यकीन है? मेरा मतलब, तुम क्यों परेशान होती हो? ऐसी कोई बात नहीं है, सच में मैं इंसिस्ट कर रही हूँ। Well, अगर ऐसा है तो थैंक यू अगेन रैरिटी। ये मैंने क्या मुसीबत मोल ले ली। हेलो, तुम मुझसे मिलना चाहती थी? फ्लटरशाय, तुम्हारा नया गाउन तैयार है, मैंने इसे पूरा फिर से बनाया है, मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगा, तो कैसा लगा तुम्हें? मुझे ये बहुत पसंद आया। ओ, तुम बस ऐसे ही कह रही हो ना? नहीं नहीं, सच में ये अच्छा है। अच्छा है? अच्छा है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो मुझे बता सकती हो। ओ, पर मुझे ये पसंद आया। पसंद आया या बहुत पसंद आया? दोनों। नहीं, एक चुनो। प्लीज मुझे ये मत पूछो। सच सच बताओ, तुम क्या सोच रही हो? नहीं ये ठीक है। बताओ मुझे। नहीं ठीक है। बताओ मुझे। मुझे ये पसंद है। मुझे बताओ बताओ बताओ। ठीक है, क्योंकि तुम सच में जानना चाहती हो। आर्म साइज बहुत टाइट है, मिडी कॉलर और शॉल लेपल साथ में अच्छे नहीं लग रहे, हेम्स मशीन से सिले गए हैं, प्लीज अनइवन है, और ये फैब्रिक बहुत खराब है। तुमने यहाँ बैक स्टिच का इस्तेमाल किया है जबकि यहाँ एक टॉप स्टिच या फिर ब्लैंक स्टिच की जरूरत थी। पर पता है, तुम जो करना चाहो मुझे चलेगा। तो मेरी बेल्ट के स्टार्स का बिल्कुल ठीक होना बहुत जरूरी है, और रायन की बेल्ट पर 3 स्टार्स है ना कि 4। मेहनत से बनती हर ड्रेस, डेडलाइन है और है क्लाइंट का भी स्ट्रेस, चाहे फैब्रिक भी हो परफेक्ट, उन्हीं को चोर चाहिए रात तक, देखो कलर्स भी है प्यारे, लाइट पे पता चलेगा तुम्हें फर्क, मैंने बनाई है ये ड्रेस। अगर मेरे गाउन में कुछ लॉलीपॉप्स होती तो वो बिल्कुल मेरे जैसा लगता। वेल, मुझे लगता है बलून। वेल, ठीक है तो फिर बस एक और चेन, फिर से कर रही हूँ स्टिच, हे हे हे। फ्लटरशाय, मुझे साफ साफ कह दो, रेनबो क्या चाहती हो तुम?
तो जग जाती है शाम। ड्रेस मेकिंग है इजी क्रिसमस के टाइम पर, जैसा भी ड्रेस चाहो जाओ मनपसंद ड्रेस लेकर। वो कॉन्स्टेलेशन केनिस मेजर है ना कि माइनर। फ्रेंच ओल्ड कॉटियर प्लीज। अगर बारिश हुई तो शूज और बलून्स। नहीं इतने ज्यादा हो गए, ज्यादा कैंडी, कम कैंडी। रुको मुझे पता है, स्ट्रीमर्स। स्ट्रीमर्स ये किसकी ड्रेस है? ठीक है स्ट्रीमर्स। क्या क्या तुम भी मुझे कुछ बदलने के लिए नहीं कहने वाली हो? नहीं, मैं बस चाहती हूँ मेरी ड्रेस कूल हो। क्या तुम्हें ये कलर पसंद नहीं आया? कलर ठीक है, बस थोड़ा कूल बना दो। और इसकी शेप? शेप ठीक है, बस पूरी चीज को यू नो कूल बना दो। इसे तकरीबन 20% और कूल बना दो। ले नहीं पाते हम डिसीजन, पता नहीं हमको क्या पसंद है। बनना चाहते हैं हम स्टाइलिश, हमको सुंदर लगना है। स्टाइल से बाहर जाए चाहे, लेकिन हो अपने बजट में। चाहे हो कितनी भी टेंशन, बस ठीक हो प्रेजेंटेशन। हर एक पीस मैं काटू और इन पे फिट कर दू, हर धागा कर दू प्रेस। अब बन गए मत लो स्ट्रेस, बनती है ऐसे ड्रेस। ये मेरी आज तक की बनाई ड्रेसेस में सबसे बदसूरत है। ओके, मैंने वो सब किया जो तुम लोगों ने कहा, अब कुछ भी दिल में मत रखना। मुझे सच सच बताना तुम्हें ये कैसी लगी? ओह माय, ये परफेक्ट है, ये कूल है। मैंने आज तक ऐसी ड्रेस नहीं देखी। ये बिल्कुल वैसी है जैसे मुझे चाहिए थी। थैंक यू रैरिटी। क्या तुम उतना खुश हो जितना हम हैं? वेल, मैं खुश हूँ कि तुम सब लोग खुश हो और अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होगा, क्या तुमने हॉइटी टॉइटी के बारे में सुना है? कैंटलॉट का बिग विग फैशन हॉटशॉट? हाँ, उसे तुम्हारे फैशन शो के बारे में पता चला, शायद मैंने ही उसे बताया हो। और वो कैंटलॉट से यहाँ तुम्हारा काम देखने आ रहा है। ओह डियर, तुम उसे बहुत सारी ड्रेसेस बेच सकती हो, तुम्हारा बिजनेस तो चल पड़ेगा। हॉइटी टॉइटी, वो यहाँ आ रहा है, वो भी इन ड्रेसेस को देखने। यप, तैयार हो जाओ, अब तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। रिलैक्स रारेटी, तुम्हारे दोस्तों को उनके आउटफिट्स पसंद आए तो उसे भी जरूर पसंद आएंगे। ये लाइट्स को क्या हुआ? ओह हाँ, इसका मतलब है कि शो शुरू होने वाला है। शुरुआत से ही इक्वेस्ट्रिया के शाही लोग ऐसे पोनी फैशन के लिए बेकरार रहे हैं जो उनकी सोल्स को एक्सप्रेस करें। आपने सही सुना, एक परफेक्ट गाउन के लिए इंतजार करते हुए हमें कई दशक नहीं कई सदियां बीत गई हैं, और आखिर में आज एक्वेस्ट्रिया का वो इंतजार खत्म होता है। जोरदार तालियां हो जाए हमारे फैशन डिजाइनर रैरिटी के लिए। लोग हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? ओह डियर, ड्रेसेस कुछ ज्यादा हो गई? पता नहीं, शायद थोड़ी सी। ओह, इस नौसे के डिजाइनर ने सब कुछ बेकार बना दिया है, कुछ भी अच्छा नहीं, सिर्फ किचन सिंक को छोड़कर।
ये बहुत भद्दा है। मैंने अपनी जिंदगी में इन आउटफिट से बदसूरत चीज कभी नहीं देखी। कितना शर्मनाक है। हमारी आंखों के सामने ये बेहुदा डिजाइन लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? और मेरा कीमती टाइम वेस्ट करने के लिए भी। मुझे कहीं छुपा लो, बाहर आओ और सबकी तारीफें बटोर लो। तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। ये वो शाबाश रैरिटी। रैरिटी, क्या तुम ठीक हो? तुम कई दिनों से बाहर नहीं दिखी। अब मैं कभी बाहर नहीं आऊंगी। अब मैं बोनीविल को कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। यहाँ मेरी कोई पहचान हुआ करती थी, मेरी इज्जत थी। मैं ड्रेसेस बनाया करती थी, सुंदर खूबसूरत ड्रेसेस। पर अब सब पोनीज मुझ पर हंस रहे हैं। मैं बस एक मजाक बनकर रह गई हूँ। तुम कोई मजाक नहीं हो रारती, बस एक तरह से सही है। बाहर आओ और हमसे बात करो। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैं डूबना चाहती हूँ जिसमें पोनीज डूबा करती है। क्या पोनीज काम में डूबा करती है? जरा सुनो तो, मुझे तो ये भी नहीं मालूम मुझे किस में डूबना है। मैं किसी काम की नहीं, बिल्कुल बेकार हूँ। अब हम क्या करें? शोर मचाए, ये तो तुम्हारा काम है। हम रैरिटी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो एक पागल कैट लेडी बन जाएगी। उसके पास बस एक कैट है, उसे जरा वक्त दो। शहर छोड़कर जाना, मेरे ख्याल से मुझे ये शहर छोड़कर चले जाना चाहिए कहीं दूर। पर मैं कहाँ जाऊंगी और मैं अपने साथ क्या लूँ? ये सारा सामान पैक करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। जब आप शहर छोड़कर जा रहे हो तो आप क्या क्या साथ लेना चाहेंगे? क्या गर्म कपड़े रख लूँ? ओपल, ओपल, तुम वहाँ ऊपर कैसे पहुँची? वहीं रुको प्यारी बच्ची, मामा आ रही है। रेनबो डैश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ओपल को ऐसे पेड़ में अटकाने की? नहीं तो हम तुम्हें बाहर कैसे लाते और कैसे दिखाते? ये क्या है? ये क्या है? हम सबने मिलकर तुम्हारे लिए ये ड्रेस तैयार की है। अच्छा हुआ फ्लटरशाई को स्टिचिंग की जानकारी है। क्या तुम्हें ये पसंद आई? पसंद आई? पसंद आई? उसे पसंद नहीं आई। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आई। बल्कि बहुत पसंद आई। तुम पोनीज ने तो कमाल कर दिया। ये बिल्कुल वैसी है जैसा मैंने सोचा था। हमने बस तुम्हारे शानदार डिजाइन को फॉलो किया जो हमें तुम्हें हमारे आउटफिट्स के साथ करने देना चाहिए। तुमने जो सबसे पहले ड्रेस डिजाइन की थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी। हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। तुमने हमारी ड्रेसेस को जैसा हम चाहते हैं वैसा बनाने के लिए बहुत मेहनत की और हमने नतीजा देख लिया। मैंने तुम्हें माफ किया। ये तुम्हारा बड़प्पन है। पर मेरा करियर तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हाँ, वो तो है। शायद नहीं। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी करना। प्लीज जल्दी करो। हेलो, ये वो डिजाइनर तो बिल्कुल नहीं हो सकती। बेहद खूबसूरत। और अचानक मुझे कुछ डच एप्पल पाई डंडी पर लगे कैंडीड एप्पल्स और एप्पल टर्नओवर्स एप्पल कैंडी खाने का मन कर रहा है। ओह, ये तो लाजवाब है।
कहते हैं फैशन शो। ओ, ये ड्रेसेस वाकई बेहद सुंदर है। इन्हें किसने बनाया? सामने आओ, अपना चेहरा दिखाओ। ब्रावो, ब्रावो, क्या बात है, मजा आ गया। ओह, थैंक यू, थैंक यू, ओह, थैंक यू सो मच। डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, इस हफ्ते मेरी बहुत ही टैलेंटेड दोस्त रारा जी ने सीखा कि अगर आप सब पोनीज को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप किसी को खुश नहीं कर पाते, और खासकर खुद को। और मैंने सीखा कि अगर कोई पोनी आपकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए, जैसे कि आपके लिए एक सुंदर ड्रेस बनाए, तो आपको उस काम में कमियां नहीं निकालनी चाहिए जो किसी ने पूरे मन से आपके लिए किया हो। दूसरे शब्दों में, एक गिफ्ट में मिले घोड़े के दांत नहीं गिनने चाहिए। रैरिटी, तुम्हारे शानदार फैशन डेब्यू के लिए कंग्रेचुलेशंस। क्या तुम मुझे अपने खूबसूरत ड्रेसेस को मेरे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुटीक में लगाने दोगी? प्लीज मुझे ना मत कहना। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम अगले ट्यूसडे तक मेरे लिए हर ड्रेस के एक दर्जन कॉपीज बनाओ।